एसएस टेक्नोलॉजी पे आपका स्वागत है। मैं सकाउल, आप सब कैसे हैं? मेरी आज की टॉपिक है, फिर से कोऑर्डिनेट लेकर आया हूँ, बट मुझे पता नहीं कि कैसे ऑटोकैड पर प्लॉट किया जाता है। और एक्सेल का डाटा को हमने एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करने के बाद हम ऑटोकैड पे लेयर बना के, सबका लेयर अलग अलग करके, टैक्स आरएल पॉइंट को हम कैसे हर लेयर पे सेट करके हम अपना कोऑर्डिनेट को ऑटोकैड के अंदर इनपुट करेंगे, और इसे हम करने के बाद कैसे डीमार्क करके आपको दिखाएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, तो चलिए सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहले हम ऑटोकैड को ओपन किया हूँ और लेयर को ओपन किया, और उसके बाद देखिए हम किस तरह से लेयर लिया। फर्स्ट लेयर में हमने लिखेंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट लिख के आप अपना हिसाब से कलर रख सकते हैं, और जिस कलर मुझे ज़्यादा बेटर समझ आता है उसी कलर को हम फाइनल रखेंगे। बट मुझे टेक्स्ट का कलर पसंद नहीं आया, यही मुझे फाइनल लगता है। और दूसरा हम लेयर लिए, दूसरा लेयर पे हम लिख देंगे आरएल, इसका कलर वाइट रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये रख दिया हूँ, वाइट ही रख देता हूँ। और तीसरा हम लेयर लिए, इसमें हम लिख देंगे पॉइंट, पॉइंट पे हम ग्रीन रखा। और मैं फिर से एक लेयर लेंगे जिसका नाम देंगे बाउंड्री, क्योंकि हमको पॉइंट इनपुट हो जाएगा जब, तब हम बाउंड्री को ये करेंगे। तो बाउंड्री का कलर अपना हिसाब से हम रख लेते हैं, तो दो सेम हो गया कलर। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, हमें बाउंड्री को रेड में रख देता हूँ। तो इसी तरह से हम लेयर चार बना लिए और इसे क्लोज कर दिए, और मेरा इस तरह से चार लेयर लिख के रेडी हो गया कलर के साथ। और इसी तरह से हम अपना ऑटोकैड को मिनिमाइज करेंगे, और उसके बाद मेरा डाटा कहाँ है मुझे ओपन करना होगा। तो इस तरह से मेरा एक्सेल पे डाटा है जिसका सीरियल नंबर, स्ट्रिंग, नॉर्थिंग, आरएल और कोड। आरएल को हमने दिखा रहा हूँ कि मैं स्ट्रिंग नॉर्थिंग वैल्यू लेके आया था, बट मुझे 100 सब में क्यों है, ताकि मेरा लेवल नहीं था फिक्स, तो मैं सब में 100 फॉर एग्जांपल लिख के रख देता हूँ। तो इसी तरह से टोटल कोऑर्डिनेट को हम सेलेक्ट कितना है हम दिखाएंगे, और एक बार पे कैसे इसको सेलेक्ट किया जाता है वो भी दिखाएंगे। बट मुझे एक बार पे सेलेक्ट करने के बाद काम नहीं होगा, तो यहाँ एक लाइन को क्लिक किया, सेलेक्ट किया और कंट्रोल ए कर दिया तो पूरा सेलेक्ट हो गया। तो आप ऊपर नीचे करके देखने के लिए सही है, और इसे मिनिमाइज कर दिया। और इसे हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट टू ऑटोकैड। एक्सपोर्ट टू ऑटोकैड को हमने खोल लेंगे, इसमें फॉर्मूला इनपुट है जिसमें सीरियल नंबर है, स्ट्रिंग है, नॉर्थिंग है, आरएल है और पी कोड है, पॉइंट का कोड है। तो यहाँ पे हम जब अपना कोऑर्डिनेट को डालेंगे, तो यहाँ राइट साइड में ऑटोकैड जो लिखा है, ऑटोकैड का फॉर्मूला यहाँ इनपुट है जिसमें टेक्स आर एल आर पॉइंट है। और इसी तरह से हम अपना पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, और एक नंबर से हम सारा पॉइंट को ले लेंगे, जिसमें मेरा 186 पॉइंट यहाँ टोटल पॉइंट है। और इसे हम राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद हम इसको एक्सपोर्ट डाटा में पेस्ट कर देंगे। ऑटोकैड टू एक्सपोर्ट डाटा में हमने पेस्ट करेंगे, तो पहला वाला जो पॉइंट है यहाँ एक बार क्लिक कर लेंगे, और क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे। तो इसी तरह से राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद मैं फॉर्मूला वाला पेस्ट करूँगा, और इसी तरह से हमने पेस्ट कर दिया। और इसी तरह से टेक्स्ट आरएल और पॉइंट मेरा ऑटोकैड बन गया। एक साइड में एक्सेल एक्सेल का डाटा है, और दूसरा साइड में टेक्स्ट आर एल आर पॉइंट है। इस तरह से फॉर्मूला बनाया गया है। और टेक्स्ट में मेरा पी कोड, और आर एल का मतलब आर एल, और पॉइंट बनता है किसको लेके, ईस्टिंग और नॉर्थिंग वैल्यू, लेट लॉन्ग लेके पॉइंट बनता है। तो तीन चीज़ का मुझे ज़रूरत है, जिसको हमने एक एक करके कॉपी करके पेस्ट करेंगे ऑटोकैड के अंदर। तो 186 पॉइंट आप लास्ट पॉइंट देख पा रहे हैं, इसी तरह से आप अपना पॉइंट को अच्छा से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो सो गाइस इसको हम बंद करते हैं, और उसके बाद ऑटोकैड को ओपन किए हैं। उसके बाद सबसे पहले हम टेक्स्ट को यहाँ लेयर को रेडी करेंगे, यहाँ टेक्स्ट को रख दिया लेयर फ्रंट पे, और उसके बाद टेक्स्ट को यहाँ ऑल सेलेक्ट करके हमने कॉपी करेंगे। तो हम किस तरह से सेलेक्ट करता हूँ आप इसको
बहुत ध्यान से देखना, यहाँ गलती होने से पूरा ड्राइंग ही मिस्टेक हो जाएगा। और इसी तरह से 186 को हमने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके कॉपी कर दिया, और इस तरह से देखिए सेलेक्ट दिखा रहा है पूरा कॉलम में। तो इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा अच्छा से, और इसी तरह से फिर से हम कॉपी करेंगे ताकि मिस्टेक ना हो जाए। इसी तरह से हमने कॉपी किया और ऑटोकैड ओपन करके टेक्स्ट मेरा लेयर में सेट है, और यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे तो मुझे यहाँ पॉइंट ऑटोकैड के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ हम पेस्ट कर रहा हूँ, आपको पेस्ट दिख रहा है, और इसी तरह से मेरा पॉइंट टेक्स्ट टेक्स्ट आ गया फास्ट। उसके बाद हम ये स्केप किया और मेरा सेलेक्ट वाला एरिया छोड़ दिया, और आरएल को हमने नीचे तक ले जा रहा हूँ, और उसके बाद 186 तक हम ले जाएंगे। और इसी तरह से आप भी इसको बहुत गौर से देख के और सेलेक्ट कीजिएगा, और इसी तरह से हम आरएल को राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, और इसी तरह से ऑटोकैड को ओपन कर लेंगे। और इसी तरह से हम और एक बार कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम ऑटोकैड पर जाके हमने लेयर आरएल कर देंगे यहाँ, और इसी तरह से हम यहाँ पेस्ट कर देंगे तो मेरा पॉइंट आपको दिख जाएगा। हम यहाँ क्या करेंगे, जेट इंटर ई इंटर जूम हो जाएगा आपका, जेट इंटर ई इंटर जूम हो जाएगा आपका। तो यहाँ आपको दिख नहीं रहा है तो टेंशन की बात नहीं है, फिर से हम जाएंगे एक्सपोर्ट डाटा में और स्केप कर दिया, मेरा सेलेक्ट एरिया छोड़ दिया, हम पॉइंट को सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, और इसी तरह से आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा पॉइंट को। और 186 हम देख लेंगे नीचे लिख के आ रहा है तो समझ लेंगे मेरा पूरा पॉइंट है। राइट क्लिक करके कॉपी किया, और इसे ऊपर भी हम भी देख लेंगे पूरा सेलेक्ट हुआ कि नहीं, और इसी तरह से हमने और एक बार कॉपी करेंगे तो हम दिखा रहा हूँ कि नीचे लास्ट तक हो गया है। और इसी तरह से राइट क्लिक करके कॉपी किया और एक्सेल को ओपन किया, और यहाँ लेयर पे हमने पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, और मेरा पॉइंट फ्रंट पे आ गया, और यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, तो देखिए मुझे पॉइंट दिख गया है। और इसका टेक्स्ट हाइट को ठीक करने के लिए मुझे फॉर्मेट में जाना है, और इसका पॉइंट स्टाइल को अपने हिसाब से बड़ा कर लेना है। तो देखिए देखिए बहुत छोटा है इसलिए नहीं दिख रहा था, जेड इंटर ई इंटर इसका शॉर्ट कमांड है, जूम हो जाएगा। फॉर्मेट में जाके पॉइंट स्टाइल पे जाना है, और इससे पॉइंट जिस जिस टाइप से चाहिए उसी टाइप से आप यहाँ लिख के सेट कर देना है। और इसी तरह से हम 5 रख के सेट करके यहाँ मेरा इस तरह से कुछ हद तक बड़ा हो गया है, आपको बड़ा दिख रहा, पहले दिख नहीं रहा था, आप मेरा पॉइंट बड़ा हो गया। और टैक्स और आरएल को हम सेलेक्ट किया और सेलेक्ट सिमिलर में जाके क्लिक कर देंगे तो मेरा टैक्स और पॉइंट ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और इसी तरह से टैक्स और पॉइंट को भी हम बड़ा कर लेंगे। टैक्स और पॉइंट का राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहाँ पे टैक्स और आरएल का हमने टैक्स हाइट देख लेंगे। टैक्स हाइट यहाँ मुझे इनपुट करना है और मैं अपना हिसाब से रखूँगा, और इसी तरह से हम 5 लिख के अप्लाई कर देंगे तो मेरा पॉइंट कुछ हद तक बड़ा हो गया। देखिए पहले छोटा था और ये बड़ा हो गया, अभी मुझे लगता है कि और थोड़ा बड़ा करना होगा, और मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। फिर से हमने इसको सेलेक्ट करके पॉइंट को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फॉर्मेट में जाकर पॉइंट स्टाइल में गए, और पॉइंट को हमने 2.5 करके देखता हूँ, सेट करके देखता हूँ, 2.5 करके देख रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा छोटा लग रहा है। अब मैं इसको क्या करेंगे, फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, पॉइंट स्टाइल में जाएंगे, और इसे हम 3.2 लिख देंगे, तो मैं 3.2 में इसको ओके करेंगे तो कुछ हद तक मेरा बड़ा हो जाएगा। और इसी तरह से देखिए मेरा बड़ा हो गया है और मीडियम साइज है, मुझे ठीक लग रहा है। और इसी तरह से हम बाउंड्री को लेयर पे ले आए और पॉली लाइन सेलेक्ट करके हम लाइन लेंगे, तो लाइन हम पूरा दिखाएंगे तो मेरा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग दुखी हो जाते हैं बड़ा वीडियो देखने से, तो मुझे काम सीखना था, हम लास्ट तक वीडियो वॉच करके हमने अपना काम को सीखा। और मेरे वीडियो को आप नए हो तो राइट साइड में नीचे सब्सक्राइब का बटन है,
उसे प्रेस कर देना दोस्तों, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब लाइक वाच मुझे मोटिवेट करती है। तो इस तरह से हम इंटरेस्टिंग वीडियो ले आएंगे और इससे भी अच्छी वीडियो ले आएंगे। और मैं अभी नया यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ, तो दोस्तों धीरे धीरे मेरी स्टेप बाय स्टेप अच्छी वीडियो आएगी। थैंक यू सो मच।